कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए, शांत रहिए उस एनर्जी को, जिस एनर्जी जो जीव हत्या के कारण पैदा हो, जहाँ करुणा नहीं है वहीं पे करो। Hey everybody, welcome back to my channel Rajveer Fitness Series. This is me, Rajveer Shishodia. And guys, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने कल ये प्रूव कर दिया कि हमारे हिंदुस्तान में कितना भी बुरा टाइम आए लेकिन सारे लोग इकट्ठे होने में टाइम नहीं लगाते, एकता है। और बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं जो हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को मानते हैं, उनमें उन पे अमल करते हैं और उनको फॉलो करके दिखाते हैं कि हाँ हम इतने सेंसिबल हैं। तो सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि कल 5 बजे के आसपास मुझे कुछ ऐसी प्राउड फीलिंग आई कि मेरा पूरा जो देश है वो एकजुट हो चुका है एक वायरस से लड़ने में। आई एम श्योर आप लोगों को भी आई होगी। तो थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया इस चीज़ में, जनता कर्फ्यू के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। अब बात करूँगा दूसरे कुछ जाहिलों की, जिन लोगों ने वो 5 बजने के बाद जब वीडियोज़ आना शुरू हुए दिल मेरा ऐसा टूटा, आई एम श्योर आप लोगों का भी टूटा होगा जब आप लोगों ने ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी। मैं उन जाहिलों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम ना गू खा के मर जाओ। तुम्हें अगर मरने का शौक है ना मेरे भाई, इतने सारे ऑप्शन हैं, फांसी खा लो, बिल्डिंग से कूद जाओ, पानी में कूद जाओ, जहर खा लो, गोली मार लो, चाकू भोंक लो, इतने सारे ऑप्शन हैं, काहे ज़बरदस्ती। तो गाइज मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जाहिल लोग हैं, अब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या मैंने ऐसे देख लिया, आपने भी देखा होगा, पहले आप देख लीजिए वरना आपको लगेगा पता नहीं। तो गाइज देख लिया आप लोगों ने, भीड़ लगा के थाली चम्मच बजा रहे हैं, एक कह रहा है गो कोरोना घर में अंदर, भाड़ू महाराज कह रहे हैं कि इन्होंने कोरोना जी को दूध पिला दिया, कचौड़ी खिला दी, हलवा खिला दिया, पूड़ी खिला दी और आप किसी को कुछ नहीं होगा। तो भाई इतने सारे लोग जो इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ एक भी एजुकेटेड इंसान नहीं था जो ऐसे चूतियों का इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप कि हमने कोरोना को पूड़ी खिला दी, हलवा खिला दिया, पूजा कर ली तो अब वो हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो गाइस मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं या किसी तरह से इनके पास न्यूज़ जा नहीं पा रही हैं या ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ इन जाहिल लोगों को या जो अनएजुकेटेड लोग हैं जो सच में इनोसेंट हैं, जिनको पता नहीं है। तो ये 14 दिन का कर्फ्यू हमारे मोदी जी ने करने को बोला है, वो उनको शौक नहीं है कुछ, मैं कोई उनका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी का किसी भी पॉलिटिशियन का कोई सपोर्टर हूँ ही नहीं, लेकिन कोई काम इंसान अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। जो ये हमें बोला गया है 14 दिन लॉकडाउन रहने को, ये हमारी भलाई के लिए बोला गया है। सोशल डिस्टेंस करना है, खुद को लॉकडाउन करना है, इनके मतलब आधे लोगों को गाँव में जो रहते हैं उनको समझ में नहीं आए होंगे। तो मैं वही चीज़ें आपको बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ कि भाई सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको बाहर के लोगों से मिलना नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो किस इंसान को वायरस है और उसको उसके थ्रू ट्रांसमिट आपकी बॉडी में हो जाए, और आपकी अगर बॉडी में हुआ है तो आपकी पूरी फैमिली को खतरा है। ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं जा रही है? तो कॉन्सेप्ट जो ये इस वायरस का है वो क्या है कि इस वायरस के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत अकड़ है, ये किसी के घर नहीं जा रहा अनटिल एंड अनलेस आप इसको बाहर से बुलाने ना जाओ। जब आप बाहर जाओगे इसको बुला के लाओगे तभी ये आपके घर में आएगा, तो जब आप बाहर जाओगे ही नहीं तो ये आएगा ही नहीं। 14 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो वायरस की हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, वायरस की भी है। सपोज़ करो किसी पर, जैसे मेरी पैंट पर वायरस लगाए तो 3 दिन के लिए रहेगा, मेरी वॉच पर लगाए तो 4 दिन के लिए रहेगा, मेरे कड़े पर लगाए तो 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, मैक्सिमम जो इसका टाइम है एक्सपायर हो जाने का या वैनिश हो जाने का वो है 14 से 15 दिन, या और थोड़े 2-4 दिन एक्स्ट्रा मान लो। तो ये जो कॉन्सेप्ट घर में बैठने को कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है इन केस किसी इंसान को वायरस है वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, आइसोलेशन में है। आप जब अपने अपने घरों में रहोगे तो अगर आपको है तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि किसी के घर में फलाने बंदे को वायरस है, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, आपकी फैमिली सुरक्षित, आपका समाज सुरक्षित। जब आप बाहर जाओगे ही नहीं तो 14-15 दिन में जिन लोगों के आसपास वायरस है वो वैसे वैनिश हो जाएगा और आप अपने घर में हैं तो आप वैसे सुरक्षित रहेंगे। जब आप बाहर नहीं निकलोगे आपको वायरस नहीं होगा तो
वायरस बढ़ेगा नहीं, 14-15-16 दिन में ये वायरस अपने आप उड़ जाएगा। तो इसलिए हमें घर में रहने को कहा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉकडाउन। घर में बंद रहो, घर में बंद रहोगे तो सुरक्षित हो, बाहर जाओगे। अब लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपको घर में रहने बोला जा रहा है, तो 9 बजे के बाद आप घर से निकलो, पार्टियां करो। कल मुझे भी मेरे कई दोस्तों के फ़ोन आए कि भाई अभी तो तू जिम विम बंद है, तो एक काम कर, आ जा, कुछ हुक्का वुक्का पीते हैं, खाना वाना खाते हैं। मैं कहा नहीं भाई, अब आपको भी यही चीज़ लग रही है, आपको भी तलब लग रही होगी दोस्तों की, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूँ कि आप जिस दोस्त के लिए मर रहे हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, कभी ऐसा हो जाए कि उस दोस्त ने तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई सबको मार दिया, चाकू भोंक दिया, तो क्या तुम उससे बात करोगे, क्या तुम उसके पास जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने दोस्तों को दुश्मन बना लो, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल है, यू नेवर नो, जिस दोस्त के लिए तुम मर रहे हो उसके आसपास भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो, आप उससे मिलके जब अपने घर आओगे तो आप अपनी फैमिली को वो चाकू वाला काम कर रहे हो। आपके दोस्त से आपको वायरस आया और आपने अपने घर वालों को दे दिया, तो उन बेचारे मासूम घर वालों की क्या गलती है? लापरवाही आपकी, 9 बजे आप बाहर निकल गए, तो बाहर नहीं जाना है अंटिल एंड अनलेस आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है। दोस्त कहीं नहीं जा रहे, 15-16 हद से हद 20 दिन या हद से हद 1 महीने की ये फाइट है, घर में बैठ के लड़ लो। हर इंसान परेशान है, ऐसा नहीं है कि आप ही घर में बोर हो रहे हो, हम भी हो रहे हैं, हम रेडी हैं घर में रहने को, बिकॉज हमको हमारी फैमिली से प्यार है। अब ये थाली बजाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए नहीं था, ये जो गंवार जाहिली है, देखो वायरस जैसी शक्ल साले इसकी, ये गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, ये कोई मंत्र नहीं है। ये मोदी जी ने ये नहीं बोला कि गो कोरोना करके थाली पीटो, कोरोना भाग जाएगा, मर जाएगा, ये कोई भूत थोड़ी है थाली की आवाज़ से डर के भाग जाएगा। भाई ये जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, जो इस महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि रोड पर पुलिस वाले घूम रहे हैं, कल कितने पुलिस वालों को मैंने देखा, सारा सारा दिन रोड पर लोगों को लठ मार मार के घर भेजा है। वो जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, जो डिलीवरी बॉयज़ है, वो ऐसे टाइम में लोगों की मदद कर रहे हैं जिसमें कि उनकी खुद की जान को खतरा है। कितने डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करते करते खुद को कोरोना वायरस हो गया है, अपनी जान पे खेल के वो लोगों की हेल्प करें, तो उनको एक तरह से हम लोगों को थैंक्स करना था, शुक्रिया अदा करना था। ये ताली बजा के थाली को थोड़ा धीरे पीट के कि आप हमारे लिए खड़े हो तो हम भी आपके लिए खड़े हैं। जब हमारा कोई दोस्त हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है, या हमारे घर वाले हमारे लिए कोई अच्छा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको उसकी वाहवाही चाहिए इसलिए कर रहे, वो उनका फ़र्ज़ है। तो ये लोगों को भी इनकी सैलरी मिल रही है, इनकी पेमेंट मिल रही है, इनका काम मिल रहा है। लेकिन अगर हम घर वालों को अपने, जब उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, उनको थैंक्स बोल देना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यही हमें इनको अच्छा लगाना था, इनको मोटिवेट करना था कि जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए थालियां बजानी थी, गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, इससे कोरोना नहीं जाने वाला। क्या पागल हो क्या, बिल्कुल बुद्धू लोग। और जो ऐसे लोग, ये जो साधु संत बने घूम रहे हैं कि हमने कोरोना जी को पूड़ी खिला दी, कचौड़ी खिला दी, और अब ये परेशान नहीं करेंगे, अरे मामा ऐसा कोरोना जाता ना तो कब का हमने भी राशन भेज दिया होता कोरोना के घर। कह ले भैया पूड़ी खा लियो, कचौड़ी खा लियो, नोट भी ले ले थोड़े बहुत, रिश्वत भी ले ले, पर चला जा, ऐसे कोई ना कोरोना जाते। ये जो मिसलीड कर रहे हो लोगों को, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आधे लोग इससे मिसलीड हो जाते हैं। अब जो इन जैसों के भक्त हैं वो घर से निकलेंगे, खाना पीना खाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कहेंगे हमारे तो महाराज जी ने कोरोना देवता को दूध चढ़ा दिया, हमें तो कोई खतरा ही नहीं है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, घर पे रहना ही इज द ओनली ऑप्शन। हम जब घर पे रहेंगे 10-15-20 दिन, तो हम जब किसी के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे। जिन लोगों को कोरोना है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, जिन लोगों को नहीं है वो अपने अपने घर में रहेंगे। एक आध को अगर सिम्टम्स आते हैं तो उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी निकलने के लिए उस चीज़ से। तो जब हम लोग लोगों से मिलेंगे नहीं, सोशल एनवायरनमेंट में हम घुलेंगे मिलेंगे नहीं, सोशल एनवायरनमेंट में घुसेंगे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो हमको खतरा ही नहीं है, और ये कोरोना अपने आप ही चला जाएगा। तो 10-12-15 दिन की बात है, क्यों नहीं आप लोग मैनेज कर रहे हो? अब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करने के लिए बात की है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो क्यों क्यों की है? सारे जिम्स बंद हैं, स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं, बस ट्रेन फ्लाइट सब बंद है। क्यों बंद है? ताकि किसी भी एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हों। बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होंगे, कोई छींकेगा, कोई खांसेगा, किसी का स्लाइवा, किसी का थूक, किसी के मुंह के पानी की बूंदें किसी के ऊपर गिरेंगी, वहाँ से कोरोना वायरस आएगा। अब आप लोग क्या कर रहे हो? बोला गया है 5 मिनट घर की बैलकनी में या घर के अपने गेट पर
थाली बजाने को। आपने क्या करा है, जाहिल बना आपने दिखा दिया कि हाँ तुम इंडिया के वो जाहिल लोग हो जो हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को ना आगे बढ़ने दे सकते हैं ना आगे बढ़ने देंगे। फिर बाद में ये बोल देते हैं हमारा हिंदुस्तान पीछे है। पीछे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन तुम जैसे लोग उसको खींचते हो कि हम तुझे नहीं करने देंगे। यार तुम्हें एक चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? तुम जैसे गवार लोगों की वजह से, तुम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से। अब इतने सारे लोग रोड पे निकल गए कल थाली पीटने, यहाँ से 10 लोगों को भी कोरोना अगर हो गया, हजारों की भीड़ में तुम घूम रहे हो, 10 लोगों को भी कोरोना हो जाता है, वो अपनी अपनी फैमिलीज़ में जब रात को जाके सोएंगे उनके घर वालों को होगा, उनके घर वाले फिर किसी और से मिलेंगे उनको होगा। तो इसको आप रोकने की जगह और स्प्रेड कर रहे हो। और एक बात मेरी समझ लीजिए, सारे पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ चुकी है, मैं सारे जाहिलों से, सारे गवारों से और जो सच में इनोसेंट है, जिनको सच में इस चीज़ के बारे में नहीं पता, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 14 दिन अपने घर में रहें। इस ये जो लॉकडाउन की जो ये बात इन्होंने मोदी जी ने की है, इसके साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें। ये उनकी भलाई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि 14 दिन तुम घर में रहोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, अरे मन नहीं लग रहा घर में। भाई अगर ये फैल गया ना थर्ड स्टेज पे, अगर आ गई ये महामारी, तो अभी तो घर में हो, टीवी देख रहे हो, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहुत सारे लोग हैं घर में। जब आइसोलेशन में जाओगे ना, एक बंद हॉस्पिटल में, एक कमरे में तुम्हें 15 दिन अकेले रखा जाएगा, तब क्या करोगे? उस वर्स्ट कंडीशन से तो ठीक कंडीशन ये है ना कि अपने घर में हो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन जब हॉस्पिटल में पड़े होंगे तब क्या होगा? अच्छे अच्छे देशों की, अमेरिका, इटली, इटली जैसे देश की जिसकी मेडिकल ना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, उस देश की हालत ख़राब कर दी इस वायरस ने। तो हमारे इंडिया के पास तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 70,000 बेड हैं बस। सोचो तुम हजारों की तादाद में बाहर घूम रहे हो थालियाँ बजाने में, वायरस लेके आओगे, लाखों लोगों को भी फैल गया ना, 130 करोड़ की जनसंख्या है देश की, 36 की, लाख लोगों को भी हो गया तो बेड नसीब नहीं होने हॉस्पिटल में। इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी, पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो रही है, पूरी दुनिया अपने आप को बचा लेगी। इटली, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, सबके पास रिसोर्सेज हैं और सारे लोग एजुकेटेड हैं। कितने लोग मर गए उनको देख के इनको अकल आ चुकी है, सारे लोग एजुकेटेड हैं, घर में लॉकडाउन है, सब ने अपने आप को घर में बंद किया हुआ है, क्योंकि उनको अपने देश की परवाह है, अपने शहर की परवाह है, अपनी फैमिली की परवाह है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये जाहिलपना दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे आगे, ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको प्लीज़ घर में बैठ के अपनी फैमिली को टाइम दें। जो डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है उसके साथ कोऑपरेट करें, जैसे जैसे आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो करें। कुछ समझ में नहीं आता है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप गोबर बुद्धि हो, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपना दिमाग मत चलाओ, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट मत करो, बस कुछ दिन के लिए अपने घर में रहो। हम जैसे लोग जो अबे हम घर में बैठ रहे हैं, आधी दुनिया घर में बैठी हुई है, हम पागल हैं क्या? हमारा भी तो मन कर रहा है बाहर जाने का, जिम जाने का, खाने पीने का, घूमने का, लेकिन हम कोऑपरेट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम पागल हैं। और तुम रोड पे थालियां बजाते घूम रहे हो लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में, तुम बहुत अकलमंद हो। तो हम किस लिए घर में बैठे हैं? ताकि कोरोना वायरस फैले ना, और आप जाके बाहर फैला रहे हो तो हमारा तो वेस्ट है। अब कल मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो डाली, ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर, ठीक है, उसमें मैंने दुनिया को एक मैसेज दिया, बहुत प्यार दिया लोगों ने, मैंने लोगों को एक मैसेज दिया है कि उसमें दारू वारू पी है मैंने, सिगरेट पी है, जस्ट टू शो, एक फिटनेस फ्रीक का, एक जिम जाने वाले बंदे का दारू सिगरेट से क्या मतलब है, पी है। तो उसमें क्या एक मैसेज दिया है कि दारू सिगरेट पी के मैं ऐसे दिखता था, उसके बाद मैंने बॉडी बनाई तो मैं ऐसे दिखता हूँ। और जो लोग ब्रेकअप्स को लेकर परेशान रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा जाके, इससे पहले वाली वीडियो है। तो उसमें जो मैंने सुट्टा मारा ना, उस पर मेरे घर में महाभारत हो गई। अब पहले क्या होता था कि घर में छोटी मोटी कुछ भी बात है तो बाहर निकल जाओ, अब कल से 2 लाख गालियाँ सुन चुका हूँ अपनी मम्मी की, भाड़ में गया तेरा चैनल, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया ये, भाड़ में गई मोटिवेशन, तूने सिगरेट कैसे पी, 2 लाख गालियाँ खा चुका हूँ, 4 लाख बार सॉरी बोल चुका हूँ कल से अब तक। और आज चिंगारी थोड़ी सी बुझनी शुरू हुई थी, गांव से मौसी का फ़ोन आ गया कि भैया सिगरेट की पी रहे हैं वीडियो में, आग फिर पकड़ ली, अब घर में बैठ के ताने सुनो। तो भाई ये सब प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काम नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं आ रहे, हेल्थ प्रॉब्लम, जिम नहीं जा पा रहे, घर में कितना वर्कआउट कर लेगा इंसान,
मेंटल प्रॉब्लम, दिमाग खराब हो गया पूरे दिन टीवी देख के, पूरे दिन फोन में घुसे घुसे, लेकिन ये चीजें करनी पड़ेंगी मेरे भाई, हमको करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी जीनी है। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो किस बात का एंजॉयमेंट करोगे? ऐसे घूम रहे जैसे बारात इनके बाप की। तो गाइज, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, शायद समझाने में थोड़ी भूल हुई है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है हमारे देश में, इस चीज़ को आप लोग भी समझते हो। गांव की जो लेडीज़ हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको नहीं पता व्हाट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, व्हाट इज़ लॉकडाउन। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो अपना एक एक मिनट का वीडियो डालिए, छोटे छोटे मैसेजेस आप फ़ोन में रिकॉर्ड करके डालिए, ताकि लोग, अगर आपको 20 लोग भी देखते हैं तो उन 20 लोगों को पता लगे, और वो आगे 20 लोगों को बताएं, 10 लोगों को बताएं। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन फैलानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कैमरे से शर्म आती है तो मेरे जो इस वीडियो में मैंने जो बातें बोली उनको कट कट करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो, अपनी स्टोरीज में डाल दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको समझ में आए कि हाँ घर रहने में ही भलाई है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। जिन लोगों ने कल प्राउड फील कराया मुझे, मेरे पूरे देश को, उनको थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने ये जाहिल हरकतें करी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि भाई हाथ बार बार इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आप जो वायरस लेके आओगे ना, उससे आपको तो खतरा है ही है, यहाँ बैठे मुझे और मेरी फैमिली को भी है। आपसे वायरस दूर नहीं होगा तो देश से नहीं होगा, देश से नहीं होगा तो मुझसे और मेरी फैमिली से दूर नहीं होगा। आपको शायद अपनी फैमिली से प्यार ना हो, अपने दोस्तों से प्यार ना हो, खुद की जान से प्यार ना हो, लेकिन हम लोगों को, हम मेरे जैसे लोगों को अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, अपने देश से बहुत प्यार है, अपने आप से बहुत प्यार है, ज़िंदगी से बहुत प्यार है। तो हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ घर में रहें, सेफ रहें, वायरस को नहीं होता ना दें। जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं WHO से या हमारी गवर्नमेंट से, उनको प्लीज़ फॉलो करें। कुछ दिन घर में रहें, कुछ दिन की प्रॉब्लम है, सारे मिलके लड़ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, सारे मिलके लड़ रहे हैं, भाग जाएगा वायरस। उसके बाद जितना हुड़दंग मचाना, जो जाहिलता करनी है खूब करना, nobody is gonna stop you। तो दिस इज़ माई मैसेज टू यू ऑल, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ प्लीज़ यार घर में बैठ जाओ 10 दिन 12 दिन, प्लीज़।